नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। जांजगीर चांपा जिले में मौसम के बदले मिजाज ने परेशानी बढ़ा दी है। बेमौसम बारिश के कारण किसान जहां परेशान है, वहीं अफसरों का भी काम बढ़ गया है। खेत और खलिहान में किसानों के धान पड़े हैं। खेतों में काट कर रखे गए धान बारिश में भीग रहे हैं। वहीं खलिहान में मिंजाई के लिए रखे गए धान को किसान किसी तरह बारिश से बचाने में जुटे हैं। इधर धान खरीदी केंद्र में किसानों से खरीदे गए धान को सुरक्षित रखने में सरकार आमला जुटा हुआ है। जिले में अब तक 2 लाख क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। धान को बारिश से बचाने कैंप कवर से ढका जा रहा है। जिम्मेदार विभाग के अधिकारी धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्था बनाने में जुटे हैं। अभी जिले में लगभग 5,200 किसानों से लगभग जो है 2 लाख क्विंटल की धान खरीदी हो गई है और जिले के सभी उपार्जन केंद्रों में आवश्यक तैयारी के साथ साथ जो है धान के जो खरीदे गए धान को जो है सुरक्षित रखने के लिए कैप कवर से ढकने के लिए जो है निर्देशित कर दिया गया है। इसके लिए पूरा प्रशासन जो है इसमें लगा हुआ है और जो कलेक्टर मैडम के निर्देशानुसार जो है लगभग जो है हमारे धान खरीदे जुड़े हुए समस्त विभाग जो है इसमें जो है निगरानी कर रहे हैं और जा करके देख रहे हैं कि व्यवस्था जो है सुनिश्चित किए हैं कि नहीं किए हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़।